तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आईसी का आगे का ही पार्ट है। कि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन में आईसी कैसे काम करती हैं या हमारे मोबाइल फोन में कितने तरीके की आईसी लगी होती है, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ था कि आईसी का मोबाइल फोन में रोल क्या है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको सीरीज लेकर के आए हैं कि मोबाइल फोन में आईसी को वर्किंग क्या है, आईसी कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम आपको ए से लेकर जेड तक जो भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आज हमारा सीपीयू आईसी के बारे में, हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो सीपीयू आईसी लगी होती है उस सीपीयू आईसी का मोबाइल फोन में पहली बार तो रोल क्या होता है और सीपीयू आईसी कैसे काम करता है, कितने तरह के सीपीयू आते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप है रिपेयरिंग कैसे टेक्निकली कोर्स आपको कराए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है। ए से लेकर जेड तक जो भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी होती है। ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन के बारे में रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने आगे वीडियो के ऊपर और हम लोग सीखते हैं सीपीयू आईसी के बारे में। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी पाई जाती है। मैं सीपीयू आईसी के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मैं उन लोगों के लिए लिख भी देता हूँ ताकि जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग अच्छे से नोट करें और इसके माध्यम से वो एक एक करके सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सीपीयू आईसी या आईसी सेट की मेन कंट्रोलिंग आईसी होती है। सीपीयू आईसी जो होती है ये हमारे मोबाइल फोन की मेन कंट्रोलिंग आईसी होती है। जो भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं सभी मोबाइल फोन की मेन कंट्रोलिंग आईसी पाई जाती है। पीसीबी में सबसे बिग साइज की होती है। पीसीबी में सबसे बड़े साइज की होती है। जो भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं सारे मोबाइल फोन में जो लगी होती है वो प्लेट में हमेशा मोस्टली कैसी होती है, सबसे बड़े साइज की होती है। प्लेट में जो देखने में कैसा होता है सबसे बड़े साइज की होती है। सीपीयू में क्वालकॉम, हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं सीपीयू में क्वालकॉम है, मीडिया टेक है, एसपीडी है, एक्सनॉस है, आरडीए है, एम स्टार और किरेन, एप्पल, इंटेल, इस कंपनी का चिपसेट लगा होता है। मतलब जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आ रहे हैं सारे मोबाइल फोन करना जो सीपीयू आईसी पाई जाती है वो सीपीयू आईसी किसकी होती है, क्वालकॉम कंपनी की होती है, मीडियाटेक कंपनी की होती है, स्पेक्ट्रम कंपनी की होती है, एक्सनॉक्स कंपनी की होती है, आरडीए है, एम स्टार है, किरेन है, एप्पल है, इंटेल है, ये इतने तरीके के हमारे मोबाइल फोन में चिप लगी होती है। चिप का मतलब होता है सीपीयू आईसी। सीपीयू आईसी मोबाइल फोन की मेन आईसी होती है। ये मेन आईसी ही मोबाइल फोन में निर्धारित करती है कि मोबाइल फोन कैसा होगा, मोबाइल फोन में बाकी सारी चीजें क्या क्या चीजें लगी होंगी और मोबाइल फोन का एक अलग तरीके का उसका कॉन्सेप्ट होता है। कि अगर जितने भी मोबाइल फोन आते हैं अगर उसमें क्वालिकॉम सीपीयू लगाया तो उसमें बाकी सारी जो चीजें होंगी वो भी हो सकता है क्वालिकॉम की लगी हो, जो मीडिया टेक लगा होगा तो उसमें बाकी सारी चीजें होती हैं वो भी मोस्टली मीडिया टेक की होती हैं, जिसमें एसपीडी सीपीयू लगा होता है उसमें ज्यादातर मोस्टली एसपीडी की सारी आईसी लगी होती है, और एक्सनॉस जो होता है वो एक्सनॉस प्रोसेसर ओनली तुम्हारे सैमसंग के मोबाइल फोन में यूज होता है, बाकी किसी मोबाइल फोन में नहीं लग कर गया था। और जो तुम्हारे आरडीए और एम स्टार जो सीपीयू होते हैं, ये कूल सेंट भी एक सीपीयू होता है, तो ये मोस्टली जो सीपीयू होते हैं तुम्हारे कीपैड मोबाइल फोन में लग करके आते हैं, और किरिन जो सीपीयू आता है वो ओनली हवावे के मोबाइल फोन आते हैं उसमें आता है।
उसके बाद जो एप्पल के प्रोसेसर ओनली एप्पल के मोबाइल फोन में आता है, इंटेल का जो प्रोसेसर होता है तो हमारे आसूस और डेल के जो मोबाइल फोन आते हैं उसमें से हमारा इंटेल का चिपसेट यूज होता है। अगर चिपसेट के बारे में पता होने से आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके की प्रॉब्लम को रिपेयर करने में बहुत सारी मदद मिलती है। तो सीपीयू को मैंने बोर्ड में बताया कि सीपीयू हमारे बोर्ड में एक कंपनी का ऐसा नाम लिखा होता है। अब बोर्ड में मोस्टली इसकी बात होती है वो सबसे बड़े साइज की आईसी होती है। कैसा होता है? बड़े साइज की आईसी होती है। अब देखिए सीपीयू में मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जैसे यदि आपके पास क्वालिकॉम का सीपीयू है, यदि आपके पास सीपीयू मीडियाटेक का है या तो आपके पास सीपीयू एसपीडी कंपनी का है, मोस्टली अगर मार्केट में देखा जाए तो तीन ही तरह के सीपीयू ऐसे हैं जो चाइनीज सीपीयू होते हैं जिनका सबसे ज्यादा मोबाइल फोन में राज है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं अगर मार्केट में अपने इंडिया के अंदर 100 मोबाइल फोन बिकते हैं तो 100 में से मैं एक बार चैलेंज के साथ में कहता हूं कि कम से कम 80% जो मोबाइल फोन होते हैं वो सारे चाइनीज सीपीयू बेस्ड मोबाइल फोन होते हैं। तो इसमें से तीन तरह के प्रोसेसर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक अपना क्वालिकॉम होता है, दूसरा मीडियाटेक होता है, तीसरा क्या होता है एसपीडी होता है। जो क्वालिकॉम प्रोसेसर होता है, इस क्वालिकॉम प्रोसेसर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा होता है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, उसके बाद यह तो लिखा होता है एमएसएम। मतलब जो क्वालिकॉम प्रोसेसर है उसकी दो तरीके की सीरीज आप कह सकते हैं, एक तो पहला स्नैपड्रैगन होता है, दूसरा क्या होता है एमएसएम होता है। उसके बाद जो मीडियाटेक प्रोसेसर आता है, मीडियाटेक में सबसे पहले लिख करके आता था एआरएम, फिर उसके बाद लिख करके आता है माली, उसके बाद लिख करके आता है हीलियो, उसके बाद लिख के आता है डेंसिटी। उसके बाद अब जो एसपीडी सीपीयू आ रहा है, एसपीडी सीपीयू में यह तो लिख करके आता है स्पेक्ट्रम साफ साफ, यह तो उसमें लिख करके आता है यूनिशॉक। ठीक है, ऐसा हमारा मोबाइल फोन के अंदर लिखा होता है। तो जो प्रोसेसर होता है वो इस तरीके से इसकी डिटेल्स लिखी होती है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ये इसकी सीरीज होती है। जैसे मीडियाटेक का प्रोसेसर एआरएम, पहले एआरएम सीरीज आई, एआरएम के बहुत सारे प्रोसेसर मोबाइल फोन में लगे होते थे, फिर उसके बाद कंपनी ने इसको और अच्छा अपडेट किया और बेटर बनाया और इसको फास्टेस्ट बनाया, फिर कंपनी ने इसको माली सीरीज में निकाला, फिर इसको हीलियो सीरीज में निकाला, फिर इसको जितने 5G मोबाइल फोन आ रहे हैं सभी 5G मोबाइल फोन के अंदर हमने डेंसिटी यूज हो रहा है। इसी तरीके से क्वालिकॉम में आप देखेंगे उसमें एमएसएम भी आता है, स्नैपड्रैगन भी आता है, जो एसपीडी आता है, एसपीडी में जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में यूनिशॉक और टिगर प्रोसेसर यूज हो रहा है और ये प्रोसेसर बेस्ड ही मोबाइल फोन हमारे आते हैं और मार्केट में यूज होते हैं। अच्छा, जितने भी सारे जो सीपीयू आते हैं, ये सारे सीपीयू होते हैं, इनका अपना सीपीयू का नंबर भी होता है। सीपीयू का क्या होता है? पर्टिकुलर नंबर होता है। अब जैसे मैं सीपीयू के नंबर की बात करता हूं कि जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे गौर से देखेंगे तो मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर सबसे बड़ी चिपसेट लगी है हमारी सीपीयू आईसी। अभी मैं तुमको इसको कैमरे में भी अच्छे से जूम करके दिखा देता हूं। तो बोर्ड में सबसे बड़ी जो चिपसेट लगी है वो हमारी कौन सी आईसी है? सीपीयू आईसी है। जब कंपनी सीपीयू आईसी जो बेस्ड मोबाइल फोन होते हैं, जब कंपनी सीपीयू लगाती है तो ये प्रोसेस जितने भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कंपनी है, जैसे ओप्पो है, वीवो है, एमआई है, रियलमी है, टेक्नो, लावा, कार्बन, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में मोबाइल फोन बनाती हैं और बनाने के बाद आपको देते हैं। एक्चुअली में वो मोबाइल फोन कोई नहीं बनाते, वो सब बनवाते हैं। क्या करते हैं? बनवाते हैं। उनका कोई मैन्युफैक्चर कोई और है, मैन्युफैक्चर कौन है? ये मैन्युफैक्चर है जो मोबाइल फोन को बनाते हैं। अगर आपको कोई भी मोबाइल फोन बनाना है तो मोबाइल फोन बनाने के बाद आपको इस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। ये कंपनी फिर उस हिसाब से उसका बोर्ड को डिजाइन करती है, उसको बोर्ड को बनाती है, बोर्ड को बनाने के बाद फिर आपको देती है, तब आप उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सारा सब कुछ इसमें लोड होता है। तो ये चिपसेट बेस्ड सारे मोबाइल फोन होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन सीपीयू का क्या होता है? एक अपना पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे एग्जांपल की बात है, मैंने एक सीपीयू का नंबर ले लिया एमएसएम 8909। तो मान लिया मैंने एक सीपीयू का नंबर ले लिया। अब ये सीपीयू का जो नंबर है, ये जो सीपीयू जो चिपसेट लगा हुआ है, ये एमएसएम 8909 अगर जियो के मोबाइल फोन में लग करके आता है तो जरूरी नहीं कि ये जियो के मोबाइल फोन में लग करके आता है। ये एमएसएम 8909 जो है ये कम से कम 20 से 25 मोबाइल फोन में लग करके आता है। अब जितने भी 20 से 25 मोबाइल फोन में जो लग करके आता है तो उनका सबका प्रोसेसिंग है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है,
उसका जो रैम रोम का है, उसका स्टोरेज है, वो समथिंग सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर होता है और समथिंग एक ही जैसा होता है। अगर MSM 8809 CPU लगा है तो उसके अंदर की जो ICs होती हैं वो भी समथिंग एक दूसरे की कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं, क्योंकि जैसे आपके चिपसेट लगा हुआ है उस चिपसेट के हिसाब से बाकी और भी जो ICs होती हैं वो भी ICs एक दूसरे से मैच करती हैं। अब इस बात के लिए हमको पता करना है, जैसे एग्जाम्पल सी बात है कि हम MSM 8809 के बारे में अगर पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमको गूगल पर जाना पड़ेगा। हम लोग गूगल पर जाएंगे, गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद गूगल पे गए, गूगल पे हम लोगों ने टाइप किया, गूगल पे हम लोगों ने क्या टाइप किया, MSM नवासी जीरो नौ सपोर्टेड मोबाइल, MSM नवासी जीरो नौ सपोर्टेड मॉडल। जैसे आप मोबाइल फोन डालेंगे तो देखिए इसकी लिस्ट खुल जाएगी, आल फोन क्वालिकॉम MSM स्नैपड्रैगन 210 आल फोन। तो जैसे आप इसमें से डालेंगे, इसमें डालने के बाद इसकी लिस्ट खुल जाएगी। जब इसकी लिस्ट खुल जाएगी तो लिस्ट में इसकी पूरी डिटेल आएगी। अब जगह खुल जाने दीजिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये खुला है स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ MSM जो 8809 CPU मोबाइल फोन है वो कौन कौन से और भी मोबाइल फोन है जिसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है। ये देखिए, अब देखिए तुम्हारा एसर लिमिटेड M320 एसर के मोबाइल फोन है, अल्काटेल है, HTC के मोबाइल फोन में पहले आता था, हवाई के मोबाइल फोन में आता था, LG के मोबाइल फोन में आता था, LG स्टाइल माइक्रोमैक्स नोकिया 4G, नोकिया का जो 4G 8000 मोबाइल फोन आया है, जो 4G मोबाइल फोन कीपैड मोबाइल फोन आया है उसके अंदर MSM 8809 CPU लगा है। तो ये समझ लो सोनी एक्सपी कीपैड मोबाइल फोन। तो ये जो प्रोसेसर जो होता है ये इतनी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन सारी कंपनियों के अंदर अपना चिपसेट लगा हुआ है। इतने कंपनियों के अंदर ये सेम चिपसेट लगा है, सेम CPU लगा है। अच्छा, CPU के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप पता कैसे सर्च करेंगे? इसके लिए हमारी वेबसाइट आती है जिस वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं GSM अरीना। ये GSM ऐसी वेबसाइट है जो मोबाइल फोन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देती है, मोबाइल फोन के बारे में पूरा डिटेल बताती है या मोबाइल फोन के बारे में जानकारी देती है। जैसे एग्जाम्पल से बात करता हूँ, अगर मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन आया, जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये मेरे पास मोबाइल फोन रियलमी का मोबाइल फोन है। किसका मोबाइल फोन है दोस्तों? रियलमी का मोबाइल फोन है। इस रियलमी मोबाइल फोन के अंदर जब मैं बोर्ड ओपन करता हूं तो ये देखिए मैंने बोर्ड खोल लिया। बोर्ड खोलने के बाद मैं इसके CPU की बात करता हूं, इसकी डिटेल बताता हूं। CPU मैं आपको दिखाता हूं, चलिए स्क्रीन पे CPU की पहचान भी करते हैं और डिटेल भी समझते हैं। ये देखिए CPU की पहचान क्या होती है। बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो जो भी CPU IC होती है उसमें देखो क्वालिकॉम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वालिकॉम। अब इसके अंदर प्रोसेसर का नंबर अगर आप देखेंगे, सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गौर से थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा ताकि सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। ये जो प्रोसेसर का नंबर लिखा हुआ है क्वालिकॉम, इसका क्वालिकॉम नंबर है SM6125। अगर आप देखेंगे तो इसका नंबर लिखकर क्या रहा है, क्या नंबर है? SM6125। ये CPU नंबर है। क्या नंबर है? SM6125। ये SM6125 जो है इसका CPU IC है, इसमें क्वालिकॉम लिखा है तो प्रोसेसर IC। जैसे मैंने क्या आपको बताया CPU IC की पहचान होती है बोर्ड में सबसे बड़े साइज की होती है और उसमें से क्वालिकॉम लिखा भी है। क्वालिकॉम लिखने के साथ साथ क्या उसका नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें नंबर लिखा है SM6125। अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल जानने के लिए हम दो तरीके से इसकी डिटेल को देख सकते हैं। पहला तरीका, हमको गूगल पे जाएंगे, गूगल खुल गया,
गूगल खुलने के बाद आपने गूगल पर सर्च कर दिया, ये मेरे पास रियलमी का मोबाइल फ़ोन है, रियलमी 5i, वो आगे लिखा हमने GSM अरीना। जैसे रियलमी 5i मैंने GSM अरीना डाला, वो रियलमी 5i की पूरी डिटेल खुल जाएगी। ओपन किया, GSM अरीना बहुत अच्छी वेबसाइट है जो मोबाइल फ़ोन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग इससे देख सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन खुल गया। अब इसके आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका चिपसेट लगा हुआ है, ये 5i नहीं है, ये दूसरा मॉडल है, हो सकता है 5s हो, क्योंकि इसके अंदर जो चिपसेट लिखा हुआ है वो चिपसेट हमारा SDM665 है, तो इसका मतलब होता है रियलमी 5i नहीं है। मैं दूसरा मॉडल देखता हूँ, रियलमी 5। रियलमी 5 GSM अरीना, इसके अंदर भी प्रोसेसर लगा है SDM665, लेकिन ये मेरे पास जो बोर्ड है इस बोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर लगा है ये लगा है SDM665। तो ये जो प्रोसेसर लगा है SDM665 लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो बोर्ड के अंदर जो रियलमी का जो 5 मोबाइल फ़ोन है इसमें से बहुत सारे मॉडल आते हैं, एक 5S करके भी आता है, मैं उसको भी देख लेता हूँ। रियलमी 5S, ये देखो 5S भी है, तो इसके रियलमी के बहुत सारे मॉडल हैं, इसमें थोड़ा 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 करके डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होने की वजह से इसका प्रोसेसर भी डिफरेंट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसका भी SDM665 है, तो इसको पूरा फिर हमको देखना पड़ेगा। इसका दूसरा मॉडल है जो बैटरी से हम लोग इसके मॉडल को हम लोग निकाल सकते हैं, फिलहाल हम लोग बोर्ड को देखते हैं कि बोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेसर कितना है अपना। इसके अंदर जो कंपनी ने चिपसेट लगाया हुआ है वो कंपनी ने चिपसेट लगाया हुआ है क्वालिकॉम 6125। अब हमको देखना है क्वालकॉम SM6125 जो मॉडल है, अगर आप इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे गए, यहाँ पर आप लोगों ने सर्च किया क्वालकॉम SM6125। अब देखिए क्वालिकॉम जो SM6125 है इसका भी स्नैपड्रैगन 665 है, कितना है स्नैपड्रैगन 665, जो उसमें 665 लिख करके आ भी रहा था, ये सीपीयू का नंबर था, वो सीपीयू का प्रोसेसर नंबर बता रहा था कि कितना मेगाहर्ट्ज़ का था, वो 665 का था, जबकि इसका नंबर कितना था SM6125। तो SM6125 सपोर्टेड फोन, जैसे मैंने SM6125 सपोर्टेड मॉडल डाला तो देखिए यहाँ पर खुल गया SM6125 स्नैपड्रैगन 665, और वहाँ पर देखिए जो हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पर 665 लिख कर गया रहा था, और 665 का मतलब था उसका जो CPU नंबर था वो 6125 ही था, लेकिन वहाँ पर वो प्रोसेसर का नंबर दिखा रहा था और यहाँ पर हम लोग IC का नंबर देख रहे थे, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा ना स्नैपड्रैगन 665, अच्छा जो स्नैपड्रैगन 665 मोबाइल फ़ोन है ये तुम्हारे Vivo S1 में भी लगा है, जो Vivo S1 है जो 8GB रैम के साथ में 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में आया है, उसके साथ में
फिर दूसरा फ़ोन है ये वीवो Y50 है, रियलमी 5 है, मतलब जो 6125 है वो 6125 जरूरी नहीं कि तुम्हारे रियलमी में ही लगाओ, वो तुम्हारे वीवो V20 SE में भी लगा है, वीवो U10 में भी लगा है, ओप्पो A9 2020 में भी लगा है, ओप्पो A52 में भी लगा हुआ है, रियलमी 5 128 GB में भी लगा हुआ है। देखेंगे इसका 10,990, 12,450, Xiaomi Redmi Note 8, इसमें वही प्रोसेसर तुमको 10,000 के अंदर की रेंज में मिल रहा है, रियलमी 5i वो भी तुमको 10,700-800 मिल रहा है, MIUI A3 में भी लगा हुआ है। तो ये इतने सारे जो मॉडल हैं ये सारे मॉडल के अंदर तुम्हारा 6125 CPU लगा हुआ है, ये सारे 6125 सपोर्टेड मॉडल हैं। अच्छा, 6125 जब मैंने सपोर्टेड मॉडल बताया तो इसका मतलब होता है इसकी बहुत सारी अंदर की जो चिप्स होती हैं, अंदर की IC होती हैं, या अंदर सप्लाई ICयां होती हैं, पावर IC होती हैं, वो भी एक दूसरे की मैच कर जाती हैं। क्यों मैच कर जाती हैं? क्योंकि प्रोसेसर लगा है। जैसे आप मोबाइल फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी कॉन्सेप्ट इसी प्रोसेसर बेस भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास SRAM 6665 लगा हुआ है, ये 6125 का CPU लगा हुआ है, तो जिसका लॉक तोड़ने का तरीका होगा तो उसका भी लॉक तोड़ने का तरीका ऐसा ही होगा, क्योंकि वो भी चिपसेट बेस ही मैच करता है। कैसे मैच करता है? चिपसेट बेस मैच करता है। तो इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? 665 Xiaomi Redmi Note 8 इसमें भी लगा हुआ है। तो आप लोग इसके माध्यम से आप ये निकाल सकते हैं कि इसके अंदर जो IC लगी है, जो CPU लगा हुआ है, वो CPU कौन कौन से मोबाइल फोन में मैच कर रहा है। इसी तरीके से मान लिया आपके पास वीवो का मोबाइल फोन आता है, जैसे एग्जाम्पल की बात आती है, यदि वीवो का फोन आता है तो आप लोग यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने डाला, मान लिया मेरे पास वीवो का मोबाइल फोन है, वीवो Y12, वीवो Y12 हमने डाला, वीवो Y12 GSM Arena। जैसे वीवो Y12 GSM Arena डाला तो वीवो Y12 GSM Arena फुल स्पेसिफिकेशन, इसका डिटेल खुल गया। अब देखिए पूरा डिटेल खुल गया। अब आप इसके चिपसेट में जाएंगे, चिपसेट का मतलब हम लोग CPU के बारे में सीख रहे हैं, CPU के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लेटफॉर्म में जाएंगे, चिपसेट में जाएंगे, तो यहाँ पर MediaTek लिखा हुआ, इसका CPU का नंबर कितना हुआ? MT6762, MT6762। अब आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है MT6762 सपोर्टिंग मोबाइल फोन। गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च किया, क्या सर्च किया? MT6762 सपोर्टेड फोन। जैसे आपने डाला ये देखिए कि डिटेल खुल गई, वही फोन लिस्ट, आपने फोन लिस्ट खोला। जैसे फोन लिस्ट खोलने के बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर ये CPU कितने सारे मोबाइल फोन में लग करके आया है। इस वेबसाइट को खुल जाने दीजिए, ये बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन आ रहे हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर ये प्रोसेसर लग करके आया हुआ है, जिसमें तो तुम्हारा वीवो Y12 भी दिया हुआ है, हवाई भी दिया हुआ है, HTC भी दिया हुआ है, इन्फिनिक्स S5, S4, लावा Z71, KG, K14, बहुत सारे मोबाइल फोन हैं जिस मोबाइल फोन में तुम्हारा ये CPU लगा हुआ है। टेक्नो में भी लगा है, वीवो में भी आया है, वीवो के बहुत 91 91 आए, 93 95, Y12 17, Y12 दिया हुआ है, तो बहुत सारे मॉडल में आपको CPU लगा। मतलब अगर आप इस मोबाइल फोन के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो चिपसेट लगा है वो चिपसेट बिल्कुल कैसा है? सेम। कैसा चिपसेट है? सेम चिपसेट है। जब सेम चिपसेट है तभी काम होने वाला है, ये तो काम नहीं होगा। तो ये हमारा क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? प्रोसेसर। तो हमारा कौन सा CPU लगा? चिपसेट लगा है। कौन सा प्रोसेसर? MT6762। अगर आप अगर देखेंगे तो मैं कोई दूसरा मॉडल है, जैसे मेरे पास मान लो माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N12, यहां पर गया हमने सर्च किया माइक्रो मैक्स इन्फिनिटी N12, आगे लिख दिया हमने GSM Arena। ये खुल गया। अब ये मोबाइल फोन है, इसके अंदर अगर आप चिपसेट में जाएंगे तो इसके अंदर लगा 6762।
तो मतलब क्या है कि जितने भी सारे जो सीपीयू लगे हैं, ये सीपीयू जो होते हैं, इस सबके एक दूसरे के सीपीयू कैसे होते हैं, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के मैच करते हैं। इतने सारे मोबाइल फोन जो बने एक दूसरे के सपोर्टिंग के हैं। इसी तरीके से आपके मोबाइल फोन में सेम, जैसे मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है सैमसंग का आता है, जिसमें से आप सैमसंग कहते हैं सैमसंग, सैमसंग A03 कोर जैसा मरीना, हमने डाला सैमसंग A03 कोर जैसा मरीना, ये सैमसंग का मोबाइल फोन है। खुल जाने लीजिए, ये वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है। सैमसंग A03 कोर जैसा मरीना, ये हमारा खुल गया। खुलने के बाद अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है यूनिशॉक लगा है। क्या लगा हुआ है, यूनिशॉक। यूनिशॉक का मतलब कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, SPD। अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है यूनिशॉक SC9863A। यूनिशॉक AC9863A मक्खी बैठ जाती है, इसलिए अपने मन से चलने लगता है। सपोर्ट अब देखिए खुल गए। ये वेबसाइट है फोन डाटा, फोन डाटा नाम की वेबसाइट है जो हमारे सारे मोबाइल फोन का कंपेरिजन करके हमको डिटेल दे देती है, जैसे जैसा मरीना काम करता है। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए, ये सीपीयू इन्फिनिक्स में भी लगा है, इन्फिनिक्स में लगा है, आईटेल में लगा हुआ है, आईटेल विजन 2 में लगा हुआ है। बहुत सारे जो मोबाइल फोन आए हैं उन सारे मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारा ये SPD CPU लगा हुआ है। तो ये दोस्तों कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो CPU होता है, ये CPU इतने सारे मोबाइल फोन जो चिपसेट आते हैं वो सारे चिपसेट बेस्ड मोबाइल फोन में हमारा लगा होता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको CPU के बारे में इन्फॉर्मेशन बताया है, और आप बहुत सारे लोग ऐसे इसका प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करने के बाद आप इसको समझिए कि ये मोबाइल फोन में कैसे काम करता है और इसका मोबाइल फोन में कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में टोटल मैंने आपको डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको सीपीयू के बारे में पूरा डिटेल बताया है कि सीपीयू कैसे काम करता है। अब कल इसके बारे में मैं आपको और भी आगे जानकारी दूंगा। तो आज आप लोग जितना भी सारा सा कुछ बताया है इसको अच्छे से नोट कर लें, और जो भी मैंने आपको साइट के बारे में उसको ढूंढ करके सर्च करके मैंने आपको जो प्रैक्टिकल कराया है उसको आप अपने मोबाइल फोन में गूगल के माध्यम से प्रैक्टिकल करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में जो भी सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं एक एक करके, हम आईसीयू के बारे में बहुत सारे टॉपिक आपको सिखाने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से सीख करके अच्छे तरीके से काम कर सके। पूरा डिटेल में डीप लेवल से आपको एक एक करके जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर भी करें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आती है तो एक पॉजिटिव कमेंट मैसेज भी करें,
ताकि हमको ये पता चले कि आपको क्या सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन और चाहिए और क्या चीज़ ऐसी है जो आप सीख चुके हैं और सीख करके काम कर रहे हैं। इसमें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अपना नोट्स भी बनाया है, एक एक करके समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, मुझे कॉल भी करते हैं और बताते हैं कि सर मैंने सारी चीज़ें लिखा हुआ है आपकी वीडियो के माध्यम से, सारी बातें सीखी हुई हैं। उनमें से जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लाइन में फ्रेशर हैं या मोबाइल फ़ोन के लाइन में जीरो हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन के लाइन में पूरा अच्छे से काम करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आप लोग बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर के सागर मार्केट में पड़ता है। ये कानपुर सागर मार्केट जो पड़ता है, ये आपका कानपुर जो रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल पड़ता है, सेंट्रल से 400-300 मीटर दूर पास में आपका ये इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं और सीख करके आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।